बीकानेर में रहके जोधपुर के जायके का लुत्फ उठाएंगे। यहाँ पर सब चीज शुद्ध देसी घी से मिलती है, कचौड़ी है, मिर्ची बड़े है, ये सब जोधपुर के टेस्ट है। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल, आई एम मेहताब विथ यू एंड दिस इज द माय यूट्यूब चैनल, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम है शॉप में जाएंगे और इसमें देखेंगे बीकानेर में रहके जोधपुर के जायके का लुत्फ उठाएंगे। तो अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ कौन कौन सी स्वीट्स है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अच्छी लगे। तो अभी कोई आइडिया नहीं है, अभी तक अंदर गए नहीं है, तो बिना वक्त गवाए आपको ले चलते हैं श्री जोधपुरी स्वीट्स के अंदर और देखते हैं इसके अंदर क्या है। मेरा नाम मनोज बिश्नोई है, जोधपुर से हम। तो आपने शॉप कब ओपन की थी? हमने 14 फरवरी को की थी, अभी हाल ही में। इसलिए खोली कि हमने सोचा कि बीकानेर का स्वाद तो बीकानेर के लोगों को पसंद है, लेकिन हमारा जोधपुर का स्वाद एक बीकानेर में लाने चाहते हैं। और ये जोधपुर की कचौरी है, जलेबी है हमारी, अच्छी जलेबी है, ये देखो मोतीचूर के लड्डू हैं और बंगाली मिठाइयाँ हैं, छन् ने की मिठाइयाँ हैं और देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ हैं। ये हमारी शॉप है और मैं खुद ही ये कारीगर हूँ, खुद ही कई आइटम मैं बनाता हूँ। ज़्यादातर यहाँ पे रसमलाई और बूंदी के लड्डू, ये दो आइटम मैं विशेष तौर से बनाता हूँ। डिमांड तो सर रसमलाई और बूंदी के लड्डू, मोतीचूर लड्डू आते हैं ना, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। प्याज कचौली की, प्याज कचौली के मेरे पास कारीगर हैं जो बनाने वाले हैं, इन्होंने जोधपुर में काम किया है 10-15 साल। जी सर, मेरा नाम बाबू सिंह है, जलेबी बनाते मुझे कम से कम 20 साल हो गए। जी सर, ये स्पेशल जोधपुर स्वीट के नाम से दुकान खोली है, ये बीकानेर की स्पेशल जलेबी है। यहाँ पर शुद्ध देसी घी इसे बनी हुई जलेबी मिलती है और ये शुद्ध क्वालिटी की, कोई सौदा लो आप, जलेबी ले लो, दिल कुशाल, मोतीपा, गुलाब जामुन, यहाँ पर सब चीज़ शुद्ध देसी घी से मिलती है। कचौड़ी है, मिर्ची बड़े है, ये सब जोधपुर के टेस्ट है। और बीकानेर का जैसे घी का सौदा पूरा बीकानेर का है, छेने का सौदा है, जैसे रसमलाई प्रसिद्ध है, गुलाब जामुन स्पेशल कैसे युक्त गुलाब जामुन है, और सब जो भी क्वालिटी है शुद्ध क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की दी जाती है यहाँ पर। हाँ, पेटे यहाँ सारी है, वो सारी एकदम स्पेशल यहाँ के लस्सी पस्सी प्रसिद्ध है, और रबड़ी से बना हुआ अच्छा अंगूरी है, उसमें रबड़ी डाल के बनाते हैं हम, और बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ है यहाँ पे। और हम क्वालिटी है ना, वो अच्छी क्वालिटी रखते हैं सर, बिल्कुल एकदम क्वालिटी के साथ हम कोई मतभेद नहीं करते। जो भी कस्टमर आता है सर, कहता है आप जोधपुर छोटी जलेबी है ना, बहुत अच्छी है आपकी। मार्केट में रेट है ना, वो ही रेट दे रहे हैं मार्केट में, जैसे भिखराम जानमल की रेट है, जैसे छोटू मोटू जोशी की रेट है, अग्रवाल की रेट है, लाल जी की रेट है, वो रेट पे मतलब माल मिल रहा है। तो सारा सामान रेडी है, स्वीट्स है, लस्सी है, ये कचौड़ी, प्याज कचौड़ी, गुलाब जामुन, तो टेस्ट करके आपको बताना ही है जायका कैसा है, इसका टेस्ट कैसा। तो सबसे पहले तो ट्राई करना चाहिए हमें जलेबी, हाँ गरम गरम जलेबियाँ, तो जलेबी लेते हैं, जलेबी ले रहे हैं सब दोनों, क्रंची क्रंची जलेबी, दमदार टेस्ट आ रहा है, लेकिन लेवल का जो है ना मिठास, वो लेवल का आ रहा है बराबर का, तो वो चीज़ असर नहीं रही है और वो चीज़ अच्छी लग रही है। तो इसमें टेस्ट मीडियम है, अच्छा लग रहा है, और ज़्यादा मीठी नहीं है, ज़्यादा फीकी नहीं है, बीच की, और क्रंची है तो खाने में मज़ा आ रहा है, ज़्यादा मीठी होती है तो ज़्यादा खा नहीं पाते, ज़्यादा नहीं खा पाते, टेस्ट एकदम मीडियम मीडियम है। जलेबी और लेते हैं, बाकी की मैं ख़त्म करूँगा। अब क्या ट्राई करें,
अब मेरे ख्याल से गुलाब जामुन खाते हैं। हाँ, गुलाब जामुन होते हैं तो अनिल उसी में जाता है, चाहे पहले कोई भी चीज खाए लेकिन वो गुलाब जामुन के बारे में ही सोचता रहता है कि उसका नंबर कब आएगा। तो गुलाब जामुन खाते हैं और बताते हैं कैसा है। दिखने में तो काफी अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट देखते हैं। इन्होंने एक बात बोली थी कि यहाँ जो भी मिठाइयाँ हैं वो शुद्ध देसी घी की बनती है, तो गुलाब जामुन में वो चीज़ दिख रही है, शुद्ध देसी घी। टेस्ट से ही पता चल रहा था मतलब कितनी मतलब शुद्ध है, मतलब मेरे को तो बढ़िया लगी टेस्ट में, इसलिए मैं थोड़ा और खाऊंगा और मैं दूसरी चीज़ों पर फोकस करूँगा। रसमलाई, तो लोधी की जो है ख्वाहिश वो रसमलाई खाने की है, तो वो खाएंगे इसके बाद। गुलाब जामुन अच्छे यार। तो गुलाब जामुन हो गए हमारे, अब हम ट्राई करेंगे। लोधी ने बोला है कि रसमलाई, तो रसमलाई लेते हैं, रसमलाई खाते हैं। तो रसमलाई खाते हैं और बताते कैसे, कितनी सॉफ्ट है यार, देख बहुत सॉफ्ट है। वाह भाई वाह, क्या मज़ेदार है यार है? ये इस तरीके की मिठाई खा के यार मैं एक ही बात बोलता हूँ, कहीं और ही किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं। जैसे राजभोग हुआ, माखन वड़ा, ये रसमलाई, तो ये खा के ऐसा लगता है कुछ कहीं और ही पहुँच गए। शानदार, पूरी मलाई शानदार, कितनी लजीज है देखो, शानदार दमदार, बहुत बढ़िया है। पूरी मलाई मलाई है ऊपर, एक तो मलाई ऊपर से एकदम ठंडी। रसमलाई का जो ठंडापन है, ठंडापन इसका सॉफ्टनेस का, वो बहुत लाजवाब है, एक नंबर है। रसमलाई हो गई है, अब हम खाएंगे तो काजू कतली से लेते हैं। ये काजू कतली खाते हैं, काजू कतली तो मेन जो होती है वैसे ही टेस्ट है। तो बर्फ़ी को ट्राई करते हैं, बर्फ़ी में कितनी सॉफ्टनेस है देख, बर्फ़ी सॉफ्ट है। और अब लेते हैं घुघरू वाली जलेबी, ये जब वो बाहर बना रहे थे तब उन्होंने बोला था कि घुघरू वाली जलेबी है, तो हम भी कंफ्यूज थे घुघरू वाली कौन सी है। ये रसमलाई यार बहुत अलग थी, गुलाब जामुन और जलेबियाँ सही था, मतलब ऐसे लगता है कि मतलब जोधपुर का टेस्ट अपन यहाँ बीकानेर में भी मतलब खा सकते हैं, बढ़िया। जोधपुरी स्वीट्स खाई है कभी तुमने? जोधपुर और बीकानेर दोनों का मिक्सर है, तो थोड़ा सा टेस्ट मतलब थोड़ा अलग आएगा, पानी वगैरह हाँ वो थोड़ा बहुत मतलब चेंज होगा, मतलब थोड़ा डिफरेंट मिलेगा इस वजह से। सर है यहाँ की स्वीट्स और यहाँ की सारी रसमलाई वगैरह, और लस्सी तो अभी तक पी ही नहीं, कचौड़ी लेते हैं, लस्सी लास्ट में लेंगे। इसको मीठी चटनी पसंद है, लहसुन चटनी ले रहे हैं और मैं भी सेम लूँगा लहसुन चटनी। ये डाल रहे हैं कचौड़ियों के अंदर, जोधपुरी कचौड़ियाँ। ये कचौड़ी का जो टेस्ट है बीकानेरी और जोधपुरी का मिश्रण है, बीकानेरी और जोधपुर दोनों का मिश्रण है। मसाला, इसका मसाला वो इसको डिफरेंट बना रहा है। तो मैं बता दूं कि श्री जोधपुरी स्वीट्स ये जो शॉप है, तो ये अभी खुली थी, अभी खुली 14 फरवरी को, तो अभी खुल के भी इसका जायका इतना अच्छा है। तो लस्सी को लेते हैं, केसरिया लस्सी है देखो, शानदार यार, टेस्ट अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। केसर की बात ही लगी भाई, केसर का टेस्ट, पूरा पूरा केसर का टेस्ट आ रहा है इसके अंदर। तो श्री जोधपुरी स्वीट्स में हमने स्वीट्स खा ली और यहाँ की नमकीन मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ की जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी, एक अगर मैं एक चीज़ बताऊँ तो मुझे यहाँ की सबसे बेस्ट चीज़ लगी पता है क्या, रसमलाई। तो मुझे रसमलाई सबसे बेस्ट लगी। हाँ यार, रसमलाई है ना, वो खा के टेस्ट करे कि वो कैसी है, लेकिन वो जब खाई, उसको टेस्ट किया, तो उसका जायका, उसका टेस्ट भाई साहब लाजवाब, मेरी उम्मीदों पे खरी उतरी वो रसमलाई, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अगर आप रसमलाई को टेस्ट करना चाहो, खाना चाहो, तो श्री जोधपुरी स्वीट्स के अंदर आए और यहाँ खा के जाए, क्योंकि ऐसी रसमलाई किसी और दूसरी जगह नहीं मिलेगी, तो वो मिलेगी आपको श्री जोधपुरी स्वीट्स के अंदर। स्वीट्स भी अच्छी थी, जैसी होती है वैसी स्वीट्स थी, लेकिन अच्छी थी, टेस्ट अच्छा था। तो यहाँ की जो भी नमकीन है, तो ज़्यादातर इनका यह है कि थोड़ा सा जायका है, तो जोधपुरी लाए यहाँ, बीकानेर की आवाम को, बीकानेर की जनता को, मतलब वहाँ का जो टेस्ट है, वहाँ का जायका है, वो यहाँ खिलाए और जोधपुरी टेस्ट का मज़ा दे। तो काफ़ी अच्छा लगा, मुझे तो अच्छा लगा। अब दोस्तों को पूछते हैं, तो अनिल तेरे को कैसा लगा? तो रसमलाई थी एकदम, मतलब जैसे ऊपर मलाई थी तो नीचे एकदम मतलब ठंडी ठंडी थी, खाने में मतलब एकदम ऐसा लग रहा जैसे बार बार खाते रहे। मलाई मतलब बढ़िया थी, गुलाब जामुन था वो भी ठीक था मतलब, और बाकी स्वीट्स भी मतलब बढ़िया थे। बाकी तो सारू की बताया गया, मतलब उसको कैसी लगी? जो बन रही थी जिस हिसाब से उसका डिजाइन था, तो घुंघरू टाइप की बताई थी, तो वो मेरे को ट्राई करके बहुत अच्छा लगा। तो मेरे को घुंघरू वाली अच्छी लगी या नॉर्मल? मुझे घुंघरू वाली अच्छी लगी, उसको तो मैं सोच रहा था कि दूध भी साथ में हो तो दूध जलेबी खाया जाए, लेकिन जलेबी थी तो ठीक है, अच्छा था। और अपने रसमलाई सबसे अच्छी थी। आपको जब भी स्वीट्स वगैरह खानी हो तो आप आए श्री जोधपुरी स्वीट्स के अंदर। तो क्या है कि मतलब बीकानेर और जोधपुर दोनों का मिश्रण मिलेगा, तब क्या एक अलग ही टेस्ट निकल के आएगा, उस टेस्ट का मतलब आप भी लुफ्त उठा सकते हैं यहाँ पे आके। ये तो हम आज का व्लॉग यही समाप्त करते हैं। तो आप हमारे व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते रहे, ताकि हम अच्छे अच्छे व्लॉग आपके सामने और लेके आते रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।